क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है। 90 के दशक में सनसनी बनकर उभरे एक शानदार गायक जो म्यूजिक इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक आर्टिस्ट कहे गए। एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल्ली। इनकी आवाज बिल्कुल रेयर और गिफ्टेड थी, जिसे लोगों ने जहनी और रोमानी कहा। ये वो आवाज थी जिसने यंगस्टर्स को अपना दीवाना बना दिया था, और आज भी कितने ही लोगों की चाइल्डहुड मेमोरीज इनके गानों से जुड़ी हुई हैं। बुरी तेरी आंखें कहे रात भर सो। जिनकी पहली इंडी पॉप एल्बम ही इस कदर हिट रही कि 60 हफ्तों तक उसका एक गाना एमटीवी एशिया चार्ट में टॉप 10 में बना रहा, और उसके लिए इन्हें ढेर सारे अवार्ड हासिल हुए। शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं। इनके गाने सुनकर तब देश में न जाने कितनी प्रेम कहानियों ने जन्म लिया, और उस दौर में कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां इनकी आवाज को आशिकों के दिल की आवाज कहने लगे थे। जाने क्या ढूंढता है मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए। उस दौर में लोगों को मोहब्बत के एहसास से रूबरू कराने वाले एक बेमिसाल सिंगर और सॉन्ग राइटर, जिन्होंने अपने अभिनय से भी दर्शकों का दिल जीता और चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से भी फिल्मों में काम किया। जल्दी दे नफ्ताइर, टूटे थे ना वाटा। ये तू क्या बोल रहा है रे? पोइट्री। पोट्टी, ये उम्र में तू पोट्टी की बात कर रहा है? पट्टी नहीं, पोएट्री। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाखों दिलों की धड़कन बन चुके इस गायक की आवाज क्यों अचानक गुम हो गई? ये इंडस्ट्री से क्यों गायब हो गए, और आज ये कहां और किस हाल में है? अनजाने राहों में तू क्या ढूंढता फिरे दूर जिस। क्या आपको पता है कि ये बॉलीवुड के कॉमेडी किंग, जाने माने एक्टर डायरेक्टर महमूद के बेटे थे, और उनकी 8 संतानों में से एक थे। सोचना तू कल की जिस गली से निकले फिर वही। और क्या आप यकीन करेंगे कि 3-3 शादियां करने और 5 बच्चों के पिता होने के बावजूद ये अकेलेपन के शिकार हो गए और आज भी एक तन्हा जिंदगी गुजार रहे हैं? ऐसा लगता है दिल में एक राज है जिसे कहना चाहूं। तो कौन थे ये प्रतिभावान गायक, और क्यों बॉलीवुड में बेहद छोटा रहा इनका सिंगिंग करियर? क्या थी इनके पिता से इनके झगड़े की वजह, और क्यों एक करोड़पति पिता की संतान होने के बावजूद इन्हें ऑयल फैक्ट्री और कारपेट कंपनी में नौकरी करनी पड़ी? बताएंगे इनकी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ और बेहद रोचक किस्से। आप बने रहिए हमारे साथ। सैया सैया ये जो वक्त सुनहरा है, महबूब ये दिल वही ठहरा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 90s के एरा में अपने गानों से न्यू वेव लाकर लाखों जवां दिलों पर राज करने वाले सिंगर लकी अली की। हर को मैं निकला तन्हा अकेला साथ में। आज जहां म्यूजिक इंडस्ट्री में रिमिक्स और ट्यूनिंग का दौर जोर शोर से चल रहा है, लकी अली इसे शोर का नाम देते हैं, और आज भी दिल को सुकून देने वाला म्यूजिक खुद तैयार करते हैं। दिल के बिछड़ना दस्तूर हो गया। तो हम इनकी पर्सनल लाइफ और करियर की बात करें, उससे पहले चलिए जानते हैं इनके शुरुआती जीवन और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। लकी अली का जन्म 19 सितंबर 1958 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता थे हिंदी सिनेमा के ग्रेट कॉमेडियन, जाने माने एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर महमूद साहब। जब ये पैदा हुए तो पिता महमूद ने इनका नाम मकसूद महमूद अली रखा।
चूंकि इनके पिता हिंदी सिनेमा जगत का एक बहुत बड़ा नाम थे तो फिल्म इंडस्ट्री को करीब से देखने समझने का मौका इन्हें भी बचपन में ही मिल गया। इनकी माँ का नाम था महालेखा, जो हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की छोटी बहन थी, यानी मीना कुमारी लकी अली की सगी मौसी थी। लकी की माँ इन्हें प्यार से लकी कहकर पुकारा करती थी और इसी नाम से ये आगे चलकर जाने गए। महमूद साहब की 8 औलादों में ये दूसरे नंबर पर थे। बचपन से ही लकी एक अलग ही दुनिया में खोए रहते थे। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से इनका मिलना जुलना होता रहता था, लेकिन उन लोगों के साथ इनको कभी भी जुड़ाव महसूस नहीं होता। शायद इसी के चलते पिता महमूद के साथ लकी अली के रिश्ते कभी भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहे। लकी अली की बुआ यानी महमूद साहब की बहन मीनू मुमताज भी अपने दौर की दिग्गज डांसर और एक्टर रहीं, तो इनके दादा मुमताज अली भी हिंदी सिनेमा के उभरते दौर यानी 1930-40 के जाने माने अभिनेता थे और उन्हें हिंदी फिल्मों का फर्स्ट डांसर भी माना जाता है। लकी अली की पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करें तो बताते हैं कि जब ये महज 2.5 साल के थे तो इन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया था। हालांकि इन्होंने कई स्कूलों में अपनी पढ़ाई की। ये मानिक जी कूपर किंडरगार्टन में रहे, बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से भी पढ़ाई की, लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में भी कुछ वक्त इन्होंने बिताया, बेंगलुरु के बिशप कॉटन बॉयज स्कूल में भी इनका दाखिला कराया गया और मसूरी के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल से भी इनकी पढ़ाई हुई। जितने भी स्कूलों में लकी ने पढ़ाई की वो ज्यादातर बोर्डिंग स्कूल ही रहे, जिसका असर लकी के मेंटल हेल्थ पर भी पड़ा और इनकी अपने परिवार से दूरियां बढ़ती गईं। चूंकि महमूद साहब फिल्मों में इतने ज्यादा बिजी रहते थे कि उन्हें अपने परिवार के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल होता था। यही वजह रही कि महमूद साहब ने अपने सभी बच्चों को बोर्डिंग स्कूल्स में भेज दिया था। कहा तो ये भी जाता है कि एक बार जब लकी अली से मिलने महमूद साहब मसूरी पहुंचे तो लकी महमूद साहब को पहचान ही नहीं पाए कि ये उनके पिता हैं। उन्हें लगा कि ये तो फिल्मों में कॉमेडी करने वाले एक्टर हैं जो शायद इनके स्कूल में घूमने के लिए आए होंगे। महमूद साहब चाहते थे कि उनके बच्चे भी उनकी तरह एक्टिंग में अपना करियर बनाएं। खास तौर पर लकी को महमूद साहब फिल्म इंडस्ट्री में अपनी तरह एक बड़ा नाम बनते देखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लकी में काफी संभावनाएं नजर आती थीं। यही वजह रही कि जब बाद में लकी स्कूल से छुट्टियों में घर आते तो महमूद साहब अक्सर इन्हें अपने साथ फिल्म के सेट पर ले जाया करते और कोशिश करते कि लकी फिल्मी माहौल को अच्छी तरह से समझ लें। डैडी, आपने मेरा नाम बड़ा चुन के रखे हैं। बेटा, तुम्हारा बाप जो भी काम करता ना चुन के करता। कल कौन सा इम्तिहान है तुम्हारा? कल तो छुट्टी है छुट्टी। कुंवारा बाप छोटे नवाब, ये है जिंदगी। एक बाप 6 बेटे और जीनी और जॉनी अपनी इन कुछ फिल्मों में महमूद साहब ने चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से लकी से काम भी करवाया। पर जैसे जैसे लकी अली बड़े होने लगे, फिल्मों को लेकर इनकी रुचि बदलने लगी। पिता से अलग लकी पैरेलल फिल्मों की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। इसीलिए पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर लकी अली श्याम बेनेगल साहब के साथ जुड़ गए। लकी उनके असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए। श्याम बेनेगल के साथ रहते हुए इन्होंने इक्का दुक्का फिल्मों में छोटे मोटे किरदार भी निभाए और उन्हें असिस्ट भी किया। इनमें से प्रमुख फिल्म रही 1985 की फिल्म त्रिकाल, जिसमें लकी एक नौजवान पुर्तगाली डॉक्टर बने थे। श्याम बेनेगल के ही सीरियल भारत एक खोज में लकी अली एक सन्यासी के किरदार में नजर आए थे। अना, मैं जानता हूं कि तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, लेकिन हमारे साथ रहने से आपस का प्यार भी बढ़ सकता है ना। जानकार बताते हैं कि पिता से बढ़ती तलखियों के चलते ही लकी अली मुंबई छोड़कर पुडुचेरी चले गए और वहां एक ऑयल फैक्ट्री और फिर बाद में एक कारपेट कंपनी में सफाई और कारपेट क्लीन करने के साथ साथ उसे बेचने का भी काम किया। पर अपने पापा की बनाई कुछ फिल्मों में गाने की वजह से तब तक इनका झुकाव संगीत की तरफ भी होने लगा था, तो वहां ये ज्यादातर वक्त अपना गिटार लेकर सिंगिंग किया करते थे। यहाँ कुछ ही वक्त बाद लकी ने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया और पहुंच गए बेंगलुरु।
बेंगलुरु में इनके पिता का एक फार्म हाउस था। लकी वहीं पर रहने लगे और खेती करने के साथ साथ म्यूजिक पर भी काम करने लगे। यहीं पर रहते हुए लकी अली ने अपनी पहली एल्बम लिख डाली जिसका नाम था सुनो। लेकिन सिर्फ लिखना ही सब कुछ नहीं था, इसे तैयार कर रिलीज करने में इन्हें 4 साल का लंबा वक्त लग गया। हालांकि लकी ने म्यूजिक की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन फिर भी इनकी गायकी और लेखन भी बेहतरीन था। एक दिन लकी अपनी एल्बम लेकर अमिताभ बच्चन के पास गए, इस उम्मीद में कि शायद अमिताभ अपने प्रोडक्शन हाउस ABCL से इनकी एल्बम को लॉन्च करने में मदद करेंगे, क्योंकि अमिताभ जब फिल्म इंडस्ट्री में नए नए आए थे तो लकी के पिता महमूद ने उनकी बहुत मदद की थी, उन्हें अपने घर में रखा था और काम भी दिलवाया था। मगर एल्बम प्रोड्यूस करना तो दूर, अमिताभ बच्चन ने इनके गानों को एक नजर देखने में भी कोई दिलचस्पी नहीं ली। इसके बाद भी अगले 3-4 साल तक लकी अली कई म्यूजिक कंपनियों के पास अपने गाने को लेकर जाते रहे, लेकिन सबने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन लकी ने हार नहीं मानी। आखिरकार एक दिन लकी अपनी एल्बम लेकर BMG क्रिसेंडो नाम की एक म्यूजिक कंपनी के पास गए, जो कि उस दौर की एक बड़ी प्राइवेट म्यूजिक कंपनी थी और इंडिपेंडेंट और इंडो वेस्टर्न म्यूजिक को प्रमोट करती थी। उस कंपनी ने एल्बम को रिलीज करने की हामी भर दी, पर साथ में ये शर्त भी रखी कि इस एल्बम के पहले गाने को म्यूजिक वीडियो बनाकर लकी को खुद शूट करना होगा। अगर इस वीडियो ने अच्छा रिस्पांस दिया तो फिर कंपनी लकी के बाकी सॉन्ग्स के वीडियो प्रोडक्शन में इनकी मदद करेगी। लकी के अंदर भी जुनून था कुछ अलग करने का और खुद को साबित करने का। इन्होंने जैसे तैसे पैसों का जुगाड़ किया और अपने दोस्त महेश मथाई को साथ लेकर इजिप्ट की राजधानी कायरो पहुंच गए। महेश मथाई ने ही लकी के उस सॉन्ग का वीडियो प्रोडक्शन संभाला। किसी तरह दोनों दोस्तों ने मिलकर वो गाना शूट किया और फिर साल 1996 में ये सॉन्ग रिलीज हुआ। ये गाना था ओ सनम मोहब्बत की कसम। रिलीज होते ही इस गाने ने म्यूजिक इंडस्ट्री में धूम मचा दी और रातों रात लकी अली 90 के दशक के युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए। मिल के बिछड़ना तो दस्तूर हो गया। यादों में इस एल्बम की 10 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज सेल हुई, जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इसके पीछे एक्सपर्ट्स ने वजह बताई इनके म्यूजिक और गानों का तब के हिसाब से बिल्कुल अलग, नया और यूनिक होना। ये जमी है, आसमां है और बीच में है हम। लकी अली अपने एल्बम से ओवरनाइट सेंसेशन बन चुके थे और अगले कई साल तक इनकी इस एल्बम के कैसेट्स हाई डिमांड में रहे। अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL आज पूरी तरह से डूब चुकी है, लेकिन लकी अली का वो गाना आज भी संगीत प्रेमियों की यादों में बसा हुआ है। पहले एल्बम सुनो के लिए लकी को कई अवार्ड्स भी मिले, जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। साल 1996 के स्क्रीन अवार्ड्स में इन्हें बेस्ट पॉप मेल सिंगर का अवार्ड मिला। वहीं चैनल वी ने भी व्यूअर्स चॉइस अवार्ड के लिए साल 1997 में लकी को ही चुना। 60 हफ्तों तक लकी का ये गाना MTV एशिया चार्ट में टॉप 10 में बना रहा। अपने म्यूजिक और लिरिक्स के लिए इस एल्बम को दर्शकों का खूब प्यार मिला। इसके बाद साल 2000 में इन्हें बॉलीवुड से बुलावा आया और राकेश रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है में गाने का मौका मिला, जिसका म्यूजिक राजेश रोशन ने दिया था और हीरो के तौर पर ऋतिक रोशन इससे लॉन्च हुए थे। ये फिल्म का और उस साल का सबसे हिट गाना साबित हुआ और ऋतिक के डांस और लकी अली की आवाज ने समा बांध दिया। हर किसी की जुबान पर बस यही गाना था। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के तुम। लकी अली को इस गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला और वो एक फेमस फिल्मी हस्ती बन गए। क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे। इसके बाद इन्होंने बैक टू बैक 3 और एल्बम रिलीज की, जो थी साल 2001 में आई अक्स,
और गोरी तेरी आंखें कहें और साल 2004 में कभी ऐसा लगता है और ये तीनों एल्बम सुपरहिट साबित हुई। गोरी तेरी आंखें कहें रात भर सो। यहाँ एक और बात आपको बताते चलें कि लकी के करियर का सबसे पहला गाना इनके किसी एल्बम का नहीं बल्कि इनके पापा महमूद द्वारा बनाई गई एक फिल्म दुश्मन दुनिया का है, जो कि टाइटल सॉन्ग था नशा नशा। नशा नशा नशे में हम धुआं। हालांकि अपने पिता की ही फिल्म एक बाप छह बेटे में इन्होंने न केवल चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था बल्कि इसमें वॉकिंग ऑल अलोन नाम से एक अंग्रेजी गाना भी गाया था, पर वो इनका पहला गाना नहीं माना जाता क्योंकि उस वक्त ये बहुत छोटे थे। फिल्म दुश्मन दुनिया से जुड़ा एक रोचक किस्सा भी सामने आया था कि महमूद साहब ने ये फिल्म अपने बेटे लकी अली के जीवन पर ही बनाई थी क्योंकि ये नशा करते थे और फिल्म के मुख्य किरदार को भी महमूद साहब ने लकी ही नाम दिया था, जो खूब नशा करता है। इस किरदार को लकी के छोटे भाई मंजूर अली ने निभाया था। तुम्हें कौन सा टूथपेस्ट पसंद है, कोलगेट या वो तीन कलर वाला सिग्नल? मैं उसी से दांत घस के तुमसे गुफ्तगू करूंगा। फिल्म में लकी नशे में कुछ इस कदर गिरफ्तार हो जाता है कि अपनी माँ को ही मार डालता है। लकी अली फिल्म की इस कहानी से बेहद नाराज थे और इन्होंने पिता के सामने इसको लेकर विरोध भी जताया। बताया जाता है कि इस घटना के बाद महमूद साहब और लकी अली के बीच मौजूद खाई और ज्यादा गहरी हो गई। खैर, लकी के आगे की करियर की बात करें तो कहो ना प्यार है की सफलता के बाद इन्हें और भी कई फिल्मों में गाने का मौका मिला, तो साथ ही ये अपने एल्बम भी निकालते रहे और कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया। इन्हीं में से एक फिल्म थी साल 2002 में रिलीज हुई सुर द मेलोडी ऑफ लाइफ। ये एक म्यूजिकल हिट फिल्म थी जिसमें लकी अली ने एक सिंगर और म्यूजिक टीचर की भूमिका निभाई और अपने एक्टिंग से दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। खोया है तूने जो है दिल, वही तो। साल 2002 में ही ये एक और फिल्म में नजर आए जो थी मल्टी स्टारर फिल्म कांटे, जिसमें इनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया। बाली ने कुछ बताया कि हम यहाँ कैसे हैं? बिरयानी के चक्कर में सुबह सुबह साला आया घर पे, बोला चाचा के घर में बिरयानी बन रही है। अब एले में घर की बिरयानी तो दूर ही रही। लकी अली ने इस फिल्म के कुछ गाने कंपोज भी किए थे और गाए भी। इसके अगले साल 2003 में लकी अली ने बॉयज और चुपके से फिल्मों के लिए भी गाने गाए। कहते कहते रुक जाती है ना जाने क्यों। तो साथ ही इन्होंने कुछ तेलुगु और तमिल फिल्मों के लिए भी गाने गाए। साल 2004 में इन्होंने फिल्म युवा के लिए भी गाना गाया था। घूमते फिरते मिलते हैं मिल के साथ वो चलते। लेकिन अब इन्हें गाने मिलने कम होने लगे थे, जिसकी वजह पर हम आगे चर्चा करेंगे। खैर, साल 2008 में इन्होंने फिल्म बचना ए हसीनों के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया जिसे पसंद भी किया गया। इस बीच साल 2009 में इनका एक और एल्बम लॉन्च हुआ सुई, जिसमें कुल 7 गाने थे। तेरे करीब कौन आया, निगाहों पे वो छाया है उसका मुझे। हालांकि इस फोक एल्बम के गीतों को उतनी ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिल पाई। साल 2010 की फिल्म पाठशाला में इनकी आवाज में कुछ गाने सुनने को मिले जो मेलोडियस थे। साल 2011 में इनका एक और एल्बम आया जिसमें कुल 11 गाने थे। सैया सैया ये जो वक्त सुनहरा है। गाने लिखने और इन्हें आवाज देने के अलावा लकी अली ने कई फिल्मों में इनके म्यूजिक कंपोज करने का भी काम किया, जबकि इन्होंने कभी संगीत की पारंपरिक ट्रेनिंग नहीं ली थी। तुम ही हो पहले, तुम ही हो आखिर, तुम ही से।
बहुत कम ही लोग ये जानते होंगे कि लकी अली ने फिल्मों के अलावा कई टीवी सीरीज में भी काम किया, जिनमें 1986 में कथा सागर, 1988 में भारत एक खोज, 1994 में जरा हटके और साल 2013 में द ड्यू आर्टिस्ट नाम के सीरियल शामिल रहे। कुछ लोगों को तो यहाँ यूनिवर्सिटी के सहयोग के लिए रहने दो ना, वरना गवर्नर और वाइस चांसलर बंद कर देंगे यूनिवर्सिटी को। तो वहीं कांटे फिल्म के बाद इन्होंने साल 2005 में कसक, साल 2008 में गुड लक, 2009 में रनअवे और साल 2021 में मर्डर एट तीसरी मंजिल 302 में अभिनय किया। बेचैनियों में लम्हा गुजारा है, दूरी जराना मुझको गवारा है। तो वहीं बीच बीच में कुछ फिल्मों के लिए भी सिंगिंग करते रहे, जिनमें साल 2010 की फिल्म अनजाना अनजानी के लिए एक गीत गाया। धीमी धीमी चलने लगी है अब हवाएं धीमी धीमी। साल 2014 में तेरे मेरे साथ और 2015 में तमाशा फिल्म का एक गीत इन्होंने गाया। साल 2016 में भी इनकी एक फिल्म का गाना सुनाई दिया, ये फिल्म थी फ्रॉम द लैंड ऑफ गांधी। मीठा यकीन है, हर अब यही है। इसके अलावा ये देश विदेश के सैकड़ों लाइव शोज और कंसर्ट्स में जाते रहे और अपनी गायकी से सबको मंत्रमुग्ध करते रहे, लेकिन हाँ बॉलीवुड इन्हें ज्यादा समय तक रास नहीं आया। तो चलिए अब बात करते हैं इसके पीछे की वजह क्या रही, जो इतना शानदार गायक बेहद कम वक्त में फिल्मों से गायब हो गया। तो इनके कई इंटरव्यूज सुनने के बाद ये समझ में आता है कि ये एक ऐसी शख्सियत रहे जो कभी भी खुद को बॉलीवुड के कंपैटिबल नहीं बना पाए, या कहना चाहिए कि बॉलीवुड कभी भी लकी अली के लिए कंपैटिबल नहीं रहा। लकी इस मामले में बेहद अनलकी रहे। वैसे तो इन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए और इनके ढेरों फिल्मी गाने सुपरहिट भी रहे, लेकिन ये बंदिशों में बंध कर गाने वालों में से नहीं थे। इन्हें जो कंपोजिशन पसंद नहीं आती थी उसे ये ब्लंटली मना कर देते थे, जिससे कई बार म्यूजिक डायरेक्टर्स चिढ़ जाया करते थे। सुर कांटे, कसक और रनवे जैसी फिल्मों में इन्होंने बड़ी ही दमदार और संजीदा एक्टिंग भी की, लेकिन फिर भी बॉलीवुड और लकी अली के बीच दूरियां हमेशा कायम रहीं। अपने आखिरी एल्बम रास्ता मैन के बाद लकी ने एकाध फिल्मों में इक्का दुक्का गाने जरूर गाए, लेकिन इन्होंने खुद को कभी भी बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे नहीं दौड़ाया। शायद यही वजह रही कि लकी अली मीडिया की सुर्खियों से भी पूरी तरह से गायब हो गए और धीरे धीरे सब ने इन्हें भुला दिया। लकी एक ऐसे शख्स रहे जो अपने पैशन की खातिर म्यूजिक बनाते रहे और आज भी बना रहे हैं। इन्होंने कभी भी अपने म्यूजिक का कमर्शियल बेनिफिट लेने की कोशिश नहीं की और लकी के इसी अंदाज ने इन्हें लोगों का चहेता बना दिया। यही वजह है कि जब भी सोशल मीडिया पर कहीं लकी अली कुछ गाते या गुनगुनाते नजर आते हैं तो इनके वीडियो वायरल हो जाते हैं और लोग इनकी काफी तारीफ करते हैं। कुछ महीने पहले गोवा में किसी जगह पर लकी अली गिटार के साथ अपना गाना गा रहे थे और इन्हें देखने सुनने के लिए इनके चारों तरफ फैंस की भीड़ लग गई। लकी अली की निजी जिंदगी की बात करें तो इन्होंने 3 शादियां की। लकी की पहली पत्नी रही मेगन, जो कि न्यूजीलैंड की रहने वाली थी। साल 1996 में मेगन से इनकी शादी हुई थी। लकी के सबसे पहले और सुपरहिट सॉन्ग ओ सनम में जो नकाब पोश महिला नजर आई थी वो लकी अली की पहली पत्नी मेगन ही थी। लकी बताते हैं कि चूंकि उस वक्त इनके पास मॉडल हायर करने के पैसे नहीं थे तो इन्होंने पत्नी से ही इस वीडियो में एक्टिंग करा डाला। लकी और मेगन के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। चूंकि मेगन न्यूजीलैंड की रहने वाली थी तो ज्यादातर वक्त वहीं गुजारती थी और कुछ वक्त के लिए लकी भी मेगन के साथ न्यूजीलैंड शिफ्ट हुए थे, लेकिन बाद में इन्हें मुंबई वापस लौटना पड़ा। फिर मेगन और लकी के बीच दूरियां बढ़ने लगी और इस दौर में ही इनकी मुलाकात हुई एक पारसी महिला अनंता से। लकी और अनंता के बीच इश्क हुआ और दोनों ने शादी रचा ली। अनंता पारसी से मुस्लिम बन गईं और अपना नाम इनाया रख लिया। लकी अली और अनंता के भी 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। कुछ साल तो सब ठीक चला, लेकिन फिर साल 2009 में लकी की जिंदगी में आई एक तीसरी महिला जो फिल्म उड़ान एक्सप्रेस में इनके साथ काम कर रही थी।
ये थी मिस इंग्लैंड रह चुकी केट एलिजाबेथ। इनकी ये फिल्म तो कभी नहीं बन सकी, लेकिन लकी और केट की जोड़ी जरूर जम गई और लकी ने इनसे तीसरी शादी रचा ली। शादी के बाद लकी और केट बेंगलोर रहने आ गए, जहां इन्हें एक बेटा भी हुआ। लेकिन 8 साल बाद साल 2017 में केट ने लकी से ये कहकर तलाक ले लिया कि लकी 3 परिवारों के बीच फंसे हुए हैं और ये किसी को भी पूरा समय नहीं दे पाते हैं। लकी से तलाक लेकर केट वापस इंग्लैंड चली गई। तब से लकी अकेले हैं और अपने म्यूजिक की दुनिया में ही खोए रहते हैं। हालांकि इनके 5 बच्चे हैं और ये कभी कभी उनमें से कुछ के साथ नजर भी आते रहते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इनके साथ नहीं रहता। इनकी बेटी का एक सिंगिंग वीडियो कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर सामने आया था। लकी अब अपना ज्यादातर वक्त बेंगलुरु स्थित अपने फार्म हाउस में ही बिताते हैं। मौजूदा दौर के शोर शराबे वाले संगीत को लकी पसंद नहीं करते, इसलिए अब ये खुद को पूरी तरह से म्यूजिक इंडस्ट्री से दूर कर चुके हैं। चूंकि लकी को फार्मिंग करना पसंद है, तो ये अपने फार्म हाउस में कई तरह की फसलें उगाते हैं और उन्हीं के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं। ये ट्राइब नेशन नाम की एक संस्था से भी जुड़े हैं, जिसका मकसद किसानों से डायरेक्ट फसल खरीदना और उन्हें सपोर्ट करना है। कभी कभार ये कुछ कॉन्सर्ट्स में भी चले जाते हैं और वहां परफॉर्म करते हैं। ये खुद के बनाए नए नए गाने अपने इन कॉन्सर्ट्स में ही गाते रहते हैं। सांस में हवा, जान में जमी। लकी अली के सुर और इनकी सुरीली आवाज को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। जब भी हिंदी फिल्मों के जहीन और अलग हटकर आवाज वाले गायकों का जिक्र होगा, तो लकी अली का नाम इनमें सबसे ऊपर लिया जाएगा। एक पल का जीना, फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल्ली। इस महान फनकार को दिल से सलाम। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताना मत भूलिएगा कि लकी अली का गाया कौन सा गीत आपको सबसे ज्यादा पसंद है। फिलहाल श्वेता जया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कितनी हसीन जिंदगी।